हमारा हर रिश्ता किसी न किसी ग्रह से शासित है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सूर्य को अच्छा करने के लिए अपने पिता की सेवा करें तो आपको फ़ायदा होता है। ऐसे ही हमारे अन्य रिश्तेदार किस ग्रह से शासित हैं, आज इसी का विश्लेषण करने जा रही हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपको मोटिवेट करेगा कि अपने किस रिश्तेदार को आपको खुश करना चाहिए और किस रिश्तेदार की आपको दुआ लेनी चाहिए। बददुआ तो भूल कर भी नहीं लेनी चाहिए, इससे आपका अनिष्ट हो सकता है, आप कष्ट में पड़ सकते हैं। तो रिश्तों को अच्छा करें, और हर रिश्ते में कोई ना कोई ग्रह वास करता है, तो आइए जानते हैं वो ग्रह कौन सा है। सूर्य को अच्छा करने के लिए आपको अपने पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने बॉस का कभी भी अपमान ना करें, इससे आपका सूर्य अच्छा होगा। किसी चिकित्सक का भी कभी अपमान ना करें, चिकित्सक के सम्मान करने से आपका सूर्य अच्छा होता है। चंद्रमा की दुआ आपको मिले, इसके लिए अपनी माँ का कभी अपमान ना करें, माँ के समान महिला का भी कभी अपमान ना करें। मंगल को अच्छा करने के लिए इन व्यक्तियों की बद्दुआ आपको कभी भी नहीं लेनी चाहिए, जैसे छोटा भाई। पुलिस का भी आपको कभी अपमान नहीं करना चाहिए, पुलिस में भर्ती कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस लाइन में है तो उसका अपमान ना करें, उसका आशीर्वाद लेते हैं तो आपका मंगल स्ट्रांग होता है और उसको आपको मंगल की बद्दुआ नहीं लगती है। मंगल की बद्दुआ कैसे लगेगी अगर आप पुलिस का अपमान करते हैं? पुलिस वाला सच्चा होना चाहिए, उसका दिल आपकी वजह से दुख गया है, छोटे भाई बहनों का दिल आपकी वजह से दुख गया है, तो आपका मंगल दूषित होता है और मंगल दूषित होने से मंगल जनित कष्ट आपके जीवन में आते हैं। तो मंगल को अच्छा करें इन उपायों से, इनका हमेशा सम्मान करें। बुध ग्रह आपका खराब हो सकता है, बुध ग्रह की तरफ से आपको बददुआ लग सकती है अगर आप अपने मामा का अपमान करते हैं। अपने मामा का कभी भी अपमान ना करें। अगर आपका मामा शकुनी जैसा है या कंस जैसा है तो आपको उनसे दूर ही रहना चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों का सम्मान करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसके एवज़ में आप किसी मित्र का अपमान ना करें, किसी विद्यार्थी का अपमान ना करें कभी, विद्यार्थी का दिल ना दुखाएं कभी भी, तो आपको फ़ायदा होता है। अगर आप गाय का भी अपमान करते हैं, गाय को रोटी नहीं देते हैं, गाय को दुधकारते हैं, गाय की पूंछ खींचते हैं, गाय को झाड़ू से मारते हैं, हमने प्रत्यक्ष देखा ऐसे व्यक्ति को जो झाड़ू से मार रहा था, हमारा हृदय उद्वेलित हो गया वो दृश्य देखकर। हमने सोचा उसको रोकें, लेकिन तब तक गाय भी रवाना हो गई और वो खुद भी चला गया, लड़का ही था। तो ऐसे हमने मनुष्य देखे हैं जो पाप के भागीदार होते हैं। तो गाय का अपमान करने से भी आपका बुध ग्रह नष्ट होता है और बुध ग्रह आपको पीड़ा देता है, बुध ग्रह की आपको बददुआ लगती है, तो गाय का भी कभी अपमान ना करें। बृहस्पति ग्रह अच्छा होता है, शुभ ग्रह है, लेकिन बृहस्पति ग्रह को आप पापी बनाते हैं अपने कर्मों के द्वारा। तो आपको कभी भी साधु संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, अपने टीचर का या गुरु का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, अपने बड़े भाई बहनों का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन बड़े भाई बहन इस लायक नहीं हैं तो बड़े भाई बहनों का सम्मान करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े भाई बहन दुष्ट स्वभाव के हैं, तो उनके एवज़ में आप अपने गुरुओं का सम्मान करें, इससे आपको लाभ होगा और गुरुओं की कृपा आपको बनी रहेगी। जो आपके सच्चे हितैषी होते हैं वो भी बृहस्पति ग्रह से प्रभावित होते हैं। शुभ चिंतकों का सम्मान करने से, जो आपके लिए अच्छे थॉट रखते हैं उनका सम्मान करने से भी आपका बृहस्पति अच्छा होता है। आइए शुक्र ग्रह की बात करते हैं। जो मनुष्य अपनी पत्नी का अपमान करता है उसका शुक्र ग्रह पीड़ित होता है। अपनी बेटी का अपमान करने से भी, बेटी को प्रताड़ित करने से भी शुक्र ग्रह अच्छा नहीं होता है। किसी भी कुंवारी कन्या का अपमान करने से शुक्र की बद्दुआ आपको लगती है। तो किसी कुंवारी कन्या ने आपको बद्दुआ दी है, इसका मतलब शुक्र आपका खराब है, तो इसको नियंत्रित करिए और शुक्र ग्रह की पावर आपको लेने के लिए इन तीन महिलाओं का अपमान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कई लोग अपने सर्वेंट का अपमान करते हैं, उसकी सैलरी काट लेते हैं, उसकी सैलरी में कमी कर देते हैं, या किसी न किसी तरह से उसको प्रताड़ित करते हैं, तो आप सावधान हो जाइए, इससे शनि का कोप आपको मिल सकता है, शनि के कोप भाजन का पात्र आपको बनना पड़ सकता है। तो अपने नौकर का कभी भी अपमान ना करें। अगर नौकर इस लायक नहीं है तो उसको हटा दें भले, लेकिन नौकर अगर आप जब तक आपके यहाँ काम कर रहा है उसकी सैलरी में कटौती ना करें और उसका अपमान ना करें। किसी भी गरीब मनुष्य का आप अपना अपमान करते हैं तो आपको शनि की पीड़ा भुगतनी पड़ती है, क्योंकि शनि न्यायप्रिय ग्रह है
और शनि उन व्यक्तियों को न्याय देता है जो गरीब होते हैं। गरीब होना अपने आप में एक दुख का विषय होता है और कोई भी व्यक्ति गरीब बनना नहीं चाहता है। तो किसी भी गरीब का अपमान करते हैं, किसी भी अपाहिज का अपमान आप करते हैं तो शनि आप पर कुपित होता है। शनि की बद्दुआ आपको लगती है विकलांग व्यक्ति के द्वारा, अपाहिज व्यक्ति के द्वारा। वो तो वैसे ही बहुत दुखी होते हैं, तो कभी भी अपाहिज व्यक्ति का अपमान ना करें। उनकी जितनी सेवा करेंगे उतना आपको दुआ लगेगी और शनि आप पर कुपित नहीं होगा। अगर आपका राहु जनित दोष प्रबल है तो आपको अपने ससुराल वालों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन विदेशी जाति के लोगों का भी आपको आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। विदेशी व्यक्तियों का कारक राहु ग्रह होता है, विदेशी भाषा का भी कारक राहु होता है, विदेशी संस्कृति का भी कारक राहु ग्रह होता है। तो राहु ग्रह को अच्छा करने के लिए, उसकी शांति करने के लिए, जैसे राहु ग्रह की बद्दुआ आपको ना लगे, विधवा व्यक्ति, विधवा स्त्री या पुरुष में भी, विधुर में भी राहु का वास होता है, तो राहु के इस वास को नियंत्रित करने के लिए उनका अपमान कभी ना करें। विदेशी व्यक्तियों का या फॉरेनर्स का कभी अपमान ना करें। ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं जब फॉरेनर्स को ठगा जाता है शॉपिंग के ज़रिए, तो फॉरेनर्स के साथ आप कोई भी गलत व्यवहार करते हैं तो आपका राहु आपको पीड़ा देता है और राहुकृत दोष आपके जीवन में आते हैं। आजकल तो जातिवाद को समाप्त प्राय ही कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जो निम्न तबके में आती हैं। हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं, हम किसी का भी अपमान नहीं कर रहे हैं, हम शास्त्र सम्मत बात आपको बता रहे हैं। तो किसी भी छोटी जाति के, छोटा छोटी जाति कोई भी नहीं होती, हम फिर कह रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि किसी भी निम्न जाति के आदमी का आप अपमान करते हैं तो आपको केतु प्रताड़ित करता है, केतु ग्रह की पीड़ा आपको भुगतनी पड़ती है। और डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि हम निजी तौर पर इसका समर्थन नहीं करते हैं और हम किसी भी तरह के जाति का अपमान नहीं कर रहे हैं अपने वीडियो में, तो इसको आप अदरवाइज मत लेना, मैं शास्त्र सम्मत ही बात कर रही हूँ। तो केतु ग्रह की शांति के लिए आपको चाहिए कि आप निम्न जाति जो कही जाती हैं समाज में, हालांकि कोई भी जाति निम्न नहीं होती है, सब बराबर ही होते हैं क्योंकि सब एक सूत्र से जन्मे हैं और इसी नाते सब मनुष्यों में भगवान बसता है और आपको उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन जाति के आधार पर आप बता रहे हैं कि जो निम्न जातियां कही जाती हैं समाज में, उनका निरादर करने से, उनकी बद्दुआ लेने से आप बर्बाद हो सकते हैं और आपका केतु ग्रह आपको अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ा दे सकता है। तो केतु की शांति के लिए, अगर आपका जन्मपत्री में केतु खराब स्थिति में है, आपने किसी को कुंडली दिखाई है और आपने केतु का निवारण इस तरीके से कर लिया, तो आपको अन्य उपायों की ज़रूरत नहीं है। एक छोटे से उपाय से आपका केतु सुधर सकता है, केतु आपका अच्छा बन सकता है और केतुकृत पीड़ा आपके जीवन में समाप्त हो सकती है। तो आज हमने आपको बताया रिश्तों के आधार पे आप किस से तरह से नवग्रहों की शांति करें जिससे आपको फ़ायदा हो। हम हैं डॉक्टर उमा श्री, आज का वीडियो इतना ही था। आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।